नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। महाराष्ट्र की महामुकाबले के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा निर्णायक था। आज महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। हालांकि जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स और कैंपेन यहां देखने को मिला था, उस हिसाब से पोलिंग थोड़ी सुस्त जरूर रही, लेकिन मतदाताओं ने अपना रुख साफ कर दिया है। भले ही 23 नवंबर का फैसला ईवीएम में कैद हो गया हो, लेकिन अभी भी दावों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के नाना पटोले महाविकास अघाड़ी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, विदर्भ में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। उनका दावा यहां तक है कि देवेंद्र फडणवीस भी चुनाव हारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को यकीन है कि उनके 2.5 साल के मैजिकल शासन की वजह से उनकी सत्ता वापसी तय है। इन सबसे अलग 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी के लिए 180 सीटों की भविष्यवाणी कर दी है। दावे अपने अपने जरूर हैं, लेकिन दावों की पोल 23 तारीख को खुल जाएगी। देखना ही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में जो नए नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनका क्या रिफ्लेक्शन नजर आता है। सवाल यह है कि क्या आज जमकर वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, या फिर तमाम कोशिशों के बाद भी वोटर्स अपने मुद्दों पर इंटैक्ट रहे हैं। सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति की बदली हुई स्ट्रैटेजी काम आई या नहीं। सवाल यह भी कि क्या महाविकास अघाड़ी का पुराना फॉर्मूला इस नए चुनाव में भी फायदा दिला पाता है या नहीं। आज इन्हीं सवालों पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। एक एक सियासी दाव का नफा नुकसान जानेंगे। महाराष्ट्र के सभी 6 रीजन्स में कैसी रही फाइट, कौन कहां हुआ पस्त, कहां कौन दिख रहा है फुल टाइट, ये सब कुछ आपको बताएंगे। किसका पलड़ा है भारी, किस नेता के दावे में है दम, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दावे के साथ। एक बार कैसे अपनी सरकार बनाने का दावा वो ठोक रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है, और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया, और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। मुख्यमंत्री का आपने दावा सुन लिया, और आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे महायुति में शामिल तमाम घटक दल हो, चाहे महाविकास अघाड़ी के घटक दल हो, सबकी तरफ से यही दावे किए जा रहे हैं कि 23 नवंबर को सरकार उनकी ही बनेगी। लेकिन इन दावों में कितनी है सच्चाई, और आज वोटर्स ने किन मुद्दों पर वोट दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को भी समझते हैं, हर दाव पेच को भी समझते हैं। उनके जरिए आइए डिकोड करते हैं कि आज वोटर्स ने अपना क्या फैसला ईवीएम में कैद किया है। आरती टिकू जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील गातड़े हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वेंकटेश केसरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिलाष खांडेकर भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। महाराष्ट्र के इस चुनाव की पिक्चर जब हमारी आंखों के सामने खुलती है तो बहुत सारे मुद्दे तैरते हैं। आपके लिहाज से चुनाव किस मुद्दे पर हुआ? नेता के चेहरे पर हुआ, बटेंगे तो कटेंगे पर हुआ, एक है तो सेफ पर हुआ, हिंदू मुसलमान पर हुआ, या संविधान बचाने पर हुआ? नहीं, ये चुनाव सबसे निराला ये है, और ये कोई एक इशू पे नहीं हुआ है। ये इशू पे ये हुआ है, ये लोकसभा का जो चुनाव हो गया उसमें जो हुआ उसका ये नंबर 2 है। ये वहाँ से अलग नहीं हो सकता। वहाँ जो मुद्दे आए हैं वो अभी भी कायम है ऐसा लगता है। इसका एक कारण ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कम वोटिंग हुआ है वो अच्छा नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब लोगों के बीच में मन में कोई बेचैनी है, कोई 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 अलग चीज़ यह है, क्योंकि पहली बार 6 पार्टीज मैदान में हैं। 3-3 की गुट होगा, लेकिन ये 6 पार्टी पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में विधानसभा में हैं। इसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टीज थी, और दूसरे कि इतने नए पार्टीज नहीं, ज़्यादा एडिशनल एक MNS यानी राज ठाकरे की पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रहार वगैरह, ऐसे छोटे छोटे पार्टीज सबको उसमें लाया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न हो, और डिवीज़न से अपना उल्लू सीधा हो सके, ऐसा किसी को लगता है। अब उसका ये साइड में जाएंगे या ये वोट कटवा साबित होंगे, इसके ऊपर पूरा गणित क्या कैसे होगा वो
डिपेंडेंट है। कौन वोट कटवा है, कौन किसकी वोट काटेगा, इसकी चर्चा भी इन चुनावों में आरती जी सबसे ज्यादा हुई है और सबसे ज्यादा कोशिश की गई कि महाराष्ट्र के चुनाव को पोलराइज किया जाए, हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, हिंदू वोट एकमुश्त महायुति को चला जाए या मुस्लिम वोट एकमुश्त महाविकास अघाड़ी को चला जाए, वोट जिहाद से लेकर बटेंगे तो कटेंगे, हमने सब कुछ सुना। लेकिन महाराष्ट्र का हर एक रीजन, छह रीजन, हर एक रीजन अलग अलग हिसाब से बिहेव करता है, अलग अलग मुद्दों के हिसाब से बिहेव करता है। ये जो मुद्दे उछाले गए पोलराइज करने के, क्या इन मुद्दों ने ग्राउंड पर काम किया, ये चुनाव पोलराइज हुआ या नहीं? देखिए, पोलराइजेशन जब हम कहते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम, ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद है कि अभी भी 75 साल के बाद भी हिंदू और मुसलमान अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर वोट डालते हैं और इस पे बढ़ जाते हैं। तो जब बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ एक ही संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। आप देखें कि पूरा देश बट रहा है हिंदू मुसलमान में, फिर मराठा वर्सेस नॉन मराठा में, खासकर महाराष्ट्र में, फिर मराठों के अंदर भी आज कितने गुट आपके सामने है। शिवसेना जो अपने आप को चैंपियन या सबसे बड़ा जो फोर्स मानी जाती थी मराठों की, शिवाजी के जो वंशज है, जो उनका एक कम्युनिटी है, उनके जो वो सेवियर थे, कस्टोडियन थे, माने जाते थे बाल ठाकरे साहब, उनकी ही पार्टी आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही सारे हिस्सों में बढ़ चुकी है। पोलराइजेशन की बात जहां तक है, वहां तक ये साफ है कि मुस्लिम ब्लॉक जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो कंसोलिडेटेड लग रहा है महाराष्ट्र में भी, कि जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में देखा कि मुस्लिम वोट बैंक जो है एनमास कांग्रेस की तरफ जा रहा है, चूंकि बाकी छोटी पार्टियां भी इसमें घुस गई। हमने देखा ओवाईसी साहब भी इसमें घुस गए, समाजवादी पार्टी भी घुस गई और सब पार्टियों ने खुल के तुष्टीकरण की राजनीति की। तो उससे ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण का फायदा जरूर होगा और मुस्लिम वोट बैंक जो एक तरफा चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हुई होगी। ठीक है, अब देखिए दावे भी इसी हिसाब से किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, नाना पटोले भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं। पहले एक बार सबके नंबर मैं नोट कर लेती हूं, उसके बाद रीजन वाइज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सुधीर सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ ही साथ अभिलाष जी भी हैं, वेंकटेश जी भी हमारे साथ हैं। वेंकटेश जी, अगर महाराष्ट्र की सियासत को पढ़ा जाए और इस चुनाव को देखा जाए, मैं सुनील जी की भाषा में कहूं कि बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव रहा, बड़ा ही अनोखा ये चुनाव रहा, क्या नंबर देख पा रहे हैं आप महायुति के खाते में और महाविकास अघाड़ी के खाते में? अभी जो आपने कहा इसके पहले कि महाराष्ट्र का हर रीजन एक स्टेट बन गया है, एक रीजन के इश्यू दूसरे रीजन में नहीं जाते, जैसा है कि महायुति जो है सरकार रूलिंग फ्रंट, उन्होंने लाडले बहना से शुरू कर दिया, वेलफेयर प्रोग्राम शुरू कर दिए और धीरे 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 कटेंगे तो पटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, और फिर वो ऐसा शुरुआत आर्टिकल 370, हिम्मत है तो आर्टिकल 370 रिवाइव करके दिखाइए वगैरह, इस तरीके से एक कैंपेन चला गया। महाराष्ट्र में एक तरफ मराठा वर्सेस ओबीसी है, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि दो फ्रंट है जिसके अंदर तीन तीन पार्टी है, उसके अंदर एक शिवसेना है, एनसीपी है, दोनों फ्रंट में कांग्रेस और बीजेपी है, उसके बाद में प्रकाश अंबेडकर के वंचित है, फिर राज ठाकरे के मन से है, फिर बड़े पैमाने पे इंडिपेंडेंट खड़े किए गए या खड़े हुए हैं, इसके बाद में वोटों का बंटवारा कैसा हुआ ये पता नहीं चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में ना कोई इस चुनाव में ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, कोई वेव नहीं है, ये चुनाव मेरे हिसाब से, मेरे नजर से ये मैनेजमेंट का चुनाव है, जो अच्छा प्रबंधन करेगा वो चुनाव जीत सकता है। जहां तक आंकड़े की बात है तो चुनाव का पूरा वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने दो, उसके बाद में फिर पता चलेगा कि किसके फेवर में कैसा ये चुनाव ने बोर्ड लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में पैसा भी बटा है, महाराष्ट्र में मार्केट भी चल रही है। करना चाहेंगे सर आप, ताकि मैं नोट कर लूं कि कोई आंकड़ा आप लग रहा है कि महायुति यहां तक पहुंच सकती है या महाविकास अघाड़ी यहां तक पहुंच सकती है? नहीं, ऐसा है कि कहने के लिए आंकड़े है, लेकिन वो आंकड़े सच इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे साथ में कोई परिणाम नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है। तो कहने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा कि अजित पवार ने कहा कि 170 प्लस पे हम जाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है,
उसके बाद में महाविकास आघाड़ी ने कहा कि 160 पे हम जाएंगे। आप ये 160 का उनका जो तर्क है कि विदर्भ में 62 सीट्स है, उसके अंदर कांग्रेस को 30 या 35 या 40 तक जाएगी, क्योंकि वहाँ इश्यू जो है वहाँ है सोयाबीन और कपास का, उनको प्राइस नहीं मिला है। आपने सर विदर्भ की बात करी दी है तो विदर्भ की चर्चा विस्तार से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नाना पटोले साहब जो विदर्भ से ही चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने क्या दावा कर दिया है आज इस वोटिंग के दौरान अपनी जीत को लेकर और खासकर विदर्भ की 62 सीटों को लेकर, वो जरा सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र में लोगों ने तय कर लिया है और जो वोटों का रुझान जो आ रहा है और हमारे तरफ जो मैसेज आ रहे पूरे महाराष्ट्र से, वो महाविकास आघाड़ी के ही आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के भी मतदार संघ में जो वोट जो गिर रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में गिर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के हारने की बात कर रहा था तो वो सच भी निकल सकती है, ऐसी परिस्थिति आज है। और इसलिए विदर्भ में कम से कम 45 से 50 के बीच में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी, ये स्थिति आज है। देखिए आंकड़ों की बात करेंगे अगर आप विदर्भ की, तो 2014 में 44 सीटें इस रीजन से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी को नुकसान हुआ, 29 सीटें बीजेपी विधानसभा सीटों में सिर्फ जीत पाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में पिक्चर बिल्कुल उलट हो गई। इस विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, 5 सीट पर कांग्रेस यहां से जीती, कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। इसलिए विदर्भ का यह रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी कह सकते हैं आप शिफ्टिंग वाला भी हो सकता है। अब अभिलाष जी, विदर्भ की जब चर्चा करती हूं तो विदर्भ कई तरीके से हमें समझ में आता है, किसानों के लिहाज से भी समझ में आता है, 2024 के रिजल्ट्स के हिसाब से भी समझ में आता है, लेकिन जो नाना पटोले कोट कर रहे हैं ये 35 से 40 का आंकड़ा या 45 से 50 का आंकड़ा कुल 62 सीटों में से, क्या इतना संभव है कांग्रेस विदर्भ में इतना अच्छा कर पाएगी? देखिए कांग्रेस महाराष्ट्र में कई सालों से सरकार से बाहर है और विदर्भ उनका ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं पॉकेट बरो रहा है, इसलिए उसके आधार पर ये इसको कहते हैं प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने लोकसभा में जो सीटें जीती थी उसमें और इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क ये है कि लोकसभा में हमारे यहाँ का जो वोटर है वो काफी होशियार हो गया है, वो लोकसभा में अलग तरीके से वोटिंग करता है, विधानसभा में अलग तरीके से करता है। तो उस हिसाब से यदि हम विदर्भ में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि जो नाना पटोले कह रहे हैं इतनी सीट वो जीत पाएंगे, मतलब 50 सीटें यदि जीतता है 62 में से तो बहुत बड़ा नंबर मिलता है उनको, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से बात कर रही है 180 सीटों की, वो नहीं भी मिलती है तो भी उसको एक एज मिल सकती है, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो विदर्भ में आपने देखा होगा किसानों की आत्महत्या है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुई, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, वो देश पर कहीं पर भी नहीं हुई है, तो किसानों की जो दिक्कतें हैं वो वैसी की वैसी है महाराष्ट्र में। अब ये देखना ये है कि जो लाडली बहन लाड़की बहन योजना जो मध्यप्रदेश से आसाम से मध्यप्रदेश में आई और मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र में आ गई, उसके जो अलग अलग तरीके के जो पैसे देने की बात हो रही है 1500 रुपए से 2100 और 3000 तक, उसमें कितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के इस अलायंस को या फिर यूपीटी कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस को वोट देती है, ये देखना मेरे हिसाब से बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि मध्यप्रदेश में लगभग भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2023 में, लेकिन 163 सीट जीतकर उसने एक बड़ा गेम चेंजर योजना साबित हुई थी और यही योजना ठीक चुनावों से पहले महाराष्ट्र में भी इसका भी ऐलान किया गया, इसका क्या असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब हम विदर्भ की अविनाश जी चर्चा करते हैं तो विदर्भ इस वजह से भी चर्चा में रहता है क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी विदर्भ में है, बड़े चेहरे नितिन गडकरी भी विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ से आते हैं, नाना पटोले भी विदर्भ से आते हैं। जो हमने रिजल्ट देखे अविनाश जी, हम 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन रिजल्ट्स के बाद क्या सीखा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बदला आरएसएस और बीजेपी के समन्वय में? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बात सामने उभर कर अविनाश जी आपसे नहीं अविनाश जी से सवाल था सर, लौटूंगी आपके पास। अविनाश जी पहले तो सबको नमस्ते, इस पर आनंद प्रकट करता हूं कि इंडिया टीवी पर मैं पहली बार आया हूं, इसलिए इंडिया टीवी को भी सारी शुभकामनाएं भी प्रकट करता हूं। और आप जब बोल रही थी तो मुझे भी दो बार लगा कि पता नहीं आपने अभिलाष जी कहा या अविनाश जी कहा,
इसलिए वो भी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं दो बातें थोड़े में कहना चाहूंगा। आपकी बात अभी फिलहाल विदर्भ के बारे में जारी है। पूरे दिन भर मैं ट्रैक कर रहा हूं वोटिंग किस तरह से चल रहा है, तो अभी 5 ही बज रहे हैं शाम के, लेकिन ऐसा लगता है कि वोटिंग बढ़ रहा है, वोटिंग ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अब वो जो लोकसभा की तुलना में अगर वोटिंग ज्यादा हो रहा है तो उसकी दिशा क्या रहेगी, ये एक विचार करने का विषय रहेगा। उस पर भी मेरे अपने कुछ रहेंगे दृष्टिकोण, लेकिन अगर वो बात चली तो मैं उस पर कहूंगा। अभी हम जो विदर्भ की चर्चा कर रहे हैं, तो लोकसभा के वक्त बीजेपी का जो कोर वोटर, जिसे हम कह सकते हैं, एक तरह से नाराज था, और सच्चाई यह है कि वो निकला नहीं घर से तब। लेकिन अब बीच में अगर कुछ सीखना भी है लोकसभा से, तो हो सकता है कि संघ बीजेपी के बीच में जो अनबन बनी थी वो दूर हुई है, कार्यरत हुआ है संघ भी, तो विदर्भ का चित्र अलग से निकल आएगा। अभी जो विदर्भ में युति को मिलेगी बढ़त, ये मेरा जजमेंट है। युति यहाँ पर सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है, झटका बावजूद लोकसभा चुनाव में लगा था, लेकिन रिवाइव महायुति ने किया है, ये अभी तक सर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब जनता तो तय कर ही रही है 23 नवंबर को रिजल्ट आ ही जाएंगे, लेकिन सुधीर जी अगर इस चुनाव को हम रीड कर रहे हैं तो महाराष्ट्र चुनाव को हम लोकसभा चुनाव से अब कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट कई सीटों पर है। अकेले विदर्भ में ही तकरीबन 36 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, और दुगने का अंतर था लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इस बार कुछ बदल रहा है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, इन चुनावों में आते आते कुछ बदला क्या, या पैटर्न हम वही देखेंगे, बढ़त रहेगी क्या कांग्रेस को? प्राची जी, जब मैं चुनाव के कवरेज के लिए विदर्भ के, जिसे पूर्व विदर्भ पश्चिम विदर्भ इस दोनों इलाके में गया, और उसके जाने के बाद में एक चीज मुझे प्रोमिनेंटली दिखी, जो कांग्रेस का जो मेन फैक्टर था लोकसभा में, डीएमके यानी उसको AIDMK फैक्टर भी कहा जाता है, दलित मुस्लिम कुनबी और आदिवासी, वो फैक्टर ने जम के काम किया था कांग्रेस के लिए विदर्भ में, इसलिए सबसे ज्यादा सीट विदर्भ से आई और सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में कांग्रेस की, जो पार्टी की एक ही सीट थी लोकसभा में, एक सीट से लेकर 13 सीट आ गई। तो इसका एक क्लियर मायना है कि कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल ओल्ड बैंड थी तो 40-50 साल से, वो वापस आ गई। अभी सवाल है कि ये वोट बैंक 6 महीने में वापस बीजेपी की तरफ चली गई क्या, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है, मैं घूमने के बाद ऐसा लगा कि वो वोट बैंक कितनी भी चली जाए इतनी ज्यादा पैमाने वापस जा नहीं सकती, चली जाएगी तो उसके लिए एक बड़ा मुद्दा इस टाइम में बन गया था सोयाबीन और कपास का। महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन ज्यादा पैमाने में प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे लगभग 100 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसके ऊपर कपास और सोयाबीन का इम्पैक्ट करते हैं जो किसान है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर क्राइसिस भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। क्योंकि सोयाबीन और कपास की जो प्राइसेस है वो MSP के नीचे है, और GST बहुत ज्यादा पैमाने में लोगों को देना पड़ता है, इसलिए ये मुद्दे ने काफी हावी हो गए। आपने देखा होगा लास्ट के 5-10 दिन में जब कैंपेन चल रहा था तो ये मुद्दा हावी हो गया, और ये मुद्दे ने, जैसे लाडली बहना हम कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि एक गेम चेंजर हो सकती है महायुति के लिए, लेकिन घूमने के बाद में ऐसा लगा कि लाडली बहना को किसान के मुद्दे ने ओवरशैडो कर लिया। घर में औरत को पैसा मिला, लेकिन किसान वही उसका जो हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है, मेरे कपास को भाव नहीं मिल रहा है, तो ये मुद्दे भी हावी हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा छिटका होगा, लेकिन लोकसभा की जो वोट बैंक कांग्रेस के साथ वापस आई थी वो बिल्कुल ग्राउंड पे इंटैक्ट लगी, इसलिए मुझे मेरा ऐसा मानना है। ग्राउंड की बात कर रहे हैं सुधीर जी, और मैं आप सबसे ही कह रही हूँ, ये सवाल मेरा आप सबसे ही है, विदर्भ की 62 सीटों की हमने जब चर्चा की और सारे फैक्टर्स हमने बताए, कोई आप में से कोट करना चाहेगा इन 62 सीटों में से कितनी किसके खाते में जा सकती है, 29 का आंकड़ा बीजेपी बढ़ाएगी या घटेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, आप में से कोई कोट कर सकता है? आरती जी, अभिलाष जी, अविनाश जी, कोई भी कोई कोट कर सकता है?
वेल प्राची, मैंने कुछ आंकलन से मत पूछिएगा सारी सीटों के बारे में, लेकिन एस्टिमेट मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे हिसाब से बीजेपी 96 के करीब मैं सेफ सीट्स में कहूँगी कि वहाँ तक पहुँच सकती है, 96 तक पहुँच सकती है बीजेपी अकेले, 96 हाँ अकेले। और मुझे लगता है शिवसेना, जो मैं शिंदे जी की बात कर रही हूँ, वो अकेले में वो 43 तक पहुँच सकते हैं। और फिर एनसीपी अजीत पवार जी की, वो 27 तक मैं मानती हूँ कि वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कांग्रेस की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है 17 सीट तक वो पहुँच सकते हैं। शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी जो है वो 13 सीट तक मैं मानती हूँ कि वो पहुँच सकते हैं। और फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो मुझे लगता है कि 11 सीट तक पहुंच सकती है। 11 कांग्रेस का एक बार आप रिपीट कर दीजिए, कांग्रेस को कितना आप दे रही हैं अपने प्रेडिक्शन में आरती जी? मैं कांग्रेस को 17 सीट तक मानती हूं कि वो पहुंच सकते हैं। 17 सीट पर कांग्रेस पहुंच सकती है। अभी जो आंकड़े आरती जी के हैं सुनील जी, इसमें कोई फेरबदल आप कर रहे हैं? कुछ घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे? एक मोटा मोटी फिगर क्या आप दर्शकों को दे पाएंगे? नहीं, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता ऐसे भरे में, क्योंकि अभी भी फ्लूइड सिचुएशन है और ये बाकी अभी तक के इलेक्शन से ये बहुत अलग इलेक्शन है। ऐसे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन करे तो मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ये बहुत स्लीपरी इलेक्शन है, इसमें 288 फाइट्स है, हर एक इसमें एक अलग फाइट है, तो इसलिए इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, ये बोलना मुझे सही नहीं लग रहा है। अविनाश जी के पास शायद कोई आंकड़ा है, अविनाश जी आपके पास लग रहा है कोई आंकड़ा है, आपने शायद प्रेडिक्ट कर लिया है इन चुनावों को? एक ही समय में दो किस्म के ट्रेंड साथ साथ चल रहे हैं और वैसे देखे तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लग सकते हैं, लेकिन दोनों फैक्टर अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुनील जी ने कहा कि 288 अलग अलग चुनाव है, ये सही बात है कि 288 और लोकल इश्यूज बहुत ही प्रभावी और काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं उसमें कि उसके साथ साथ भी न कि सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि वोटर ये सोचते हुए कि पूरे देश पर इसका परिणाम होने वाला है, इसमें राष्ट्रीय विषयों का भी प्रभाव है। तो जो मैं पहले शुरू में कह रहा था कि वोटिंग परसेंटेज ऊपर जा रहा है, अगर ये 6 बजे के बाद 7 बजे तक ये सही निकल आया कि वोटिंग ज्यादा हुआ है, तो मेरा पहला कहना ये रहेगा कि वोटिंग में बढ़त युति के लिए अनुकूल है। वो मतदाता जो लोकसभा के दरमियान नाराजगी के कारण घर बैठा रहा, अभी उसको बाहर निकालने में युति सफल हो रही है, यह एक हाइपोथेसिस के रूप में कहा जा सकता है। इसलिए फाइनल अगर आंकड़ों तक की बात कहना रिस्की है, यह तो जाहिर है, फिर भी अगर ब्रॉड कहना हो तो युति आती हुई मुझे तो दिखाई देती है। और अगर कुल मिला के सीटों के भाषा में कहना हो तो 155 से 160 टोटल, दो चार फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन माहौल का जो अंदाजा है तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, आपने आंकड़ा कोट कर दिया, 155 से 160 महायुति को मिल सकते हैं, यानी कि महायुति सरकार बना सकती है। बहुत सारे मुद्दे रहे और जब हम रीजन वाइज आगे बढ़ते हैं तो मराठवाड़ा एक रीजन सामने आ जाता है वेंकटेश जी, और मराठवाड़ा भी बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि मराठवाड़ा ने ही अपनी राजनीति से या अपने जो जातीय समीकरण है उससे सबको चौंकाया भी 2024 में, डेंट भी महायुति को पहुंचाया। इस बार ये जो 46 सीटें हैं मराठवाड़ा की, ये किस तरीके से हो सकती है, किसके पक्ष में जा सकती है? ये जा सकती है किसके पक्ष में तो ये कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ मराठा का एजिटेशन बहुत स्ट्रांग है और उनके टारगेट बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन महायुति में वो एकनाथ शिंदे के फेवर में भी थोड़ा सा झुकाव उसका है। तो लास्ट जो लोकसभा का चुनाव हुआ था,
ये पूरे वहां का जो लोकसभा 8 सीट है, बीजेपी अपना खाता खोल नहीं पाई थी, बहुत ही टफ बैटल हुई थी। मैं समझता हूं कि इस बार भी ऐसी हो जाएगा, वोट किसके कटेंगे ये कहना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जहां भी घुमा हूं इस एरिया में, वहां मुझे किसी की वेव दिखाई नहीं दी कि जैसा कि एक हिंदुत्व एक इशू है, हिंदुत्व एक इशू था, नेशनल इश्यूज था, लेकिन लोग लोकल बात कर रहे थे, लोकल इश्यूज पे, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे इलाके में हर रोज पानी नहीं आता है। औरंगाबाद शहर है जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर किया है, वहाँ 8 दिन में 1 घंटा पानी आता है अलग अलग टाइम पे। ठीक है। इस लोगों को बात किया तो उनका कि हमने सबको देखा है, कांग्रेस देखी, राष्ट्रवादी देखी, शिवसेना देखी, भाजपा देखी, लेकिन किसने इस मुद्दे को सवाल ही नहीं किया। तो इश्यू जो लोगों के रियल इश्यूज पे कोई पक्ष बात ही नहीं कर रहा, एकदम नेशनल इश्यूज है, नहीं तो फिर ये पोलराइजेशन है। तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये कहना मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए गलत होगा। ठीक है। मराठवाड़ा में 16 सीटें जीती थी 2019 की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 24 लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सर। और लोकसभा में लेकिन आते आते बीजेपी शून्य हो गई थी, पंकजा मुंडे भी अपना चुनाव हार गई थी। इस बार पंकजा मुंडे भी हैं, अपने चचेरे भाई भी उनके साथ हैं, अब तो धनंजय मुंडे, अशोक चौहान भी इधर आ चुके हैं। अब क्या नांदेड़ के आसपास वो क्या कमाल दिखा पाएंगे? सुधीर जी, मराठवाड़ा के पर हम आ तो गए हैं, लेकिन मेरा अभी जो दिमाग है वो आंकड़ों पर ही अटका हुआ है, प्रेडिक्शन पर मेरा सुधीर जी दिमाग अभी अटका हुआ है। 155 से 160 का दे दिया अविनाश जी ने, आप कोई बता पाएंगे फिगर मेरे दर्शकों को? देखो, मैं ग्राउंड पे घूमा हूँ, सब लोगों से बात किया हूँ, लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बच रहे आंकड़ों से, वैसे मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि फाइट काफी क्लोज है, लोकल इश्यूज पे मुद्दे हैं। और दूसरी बात, मैं कई सेपोलॉजिस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई ऐसा 288 सब सीटों का एक एक सीट का जायजा नहीं कि इसमें इसको बढ़ते उसके बढ़ते। हम एक मोटा मोटी जब बात करते हैं सब सब इलाकों की और उसमें कौन से मुद्दे हावी रहते, उसके ऊपर एक ट्रेंड समझ में आता है कि भाई इस एरिया में, इस इलाके में एक ट्रेंड चल रहा है, शरद पवार की जादू चल रही है, नहीं चल रही है। जैसे मराठवाड़ा का जिक्र किया तो वहां पे एमएमडी फैक्टर, जैसे मैंने एआईडीएम के फैक्टर कहा था विदर्भा में, वैसे डीएम के नाम का एक बड़ा फैक्टर, जातिगत जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहे, कास्ट पोलराइजेशन कहे, वो बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे मुझे दिखा। एमएमडी यानी कि मराठा मुस्लिम एंड दलित, एक फैक्टर बहुत बड़े पैमाने पे। और जरंगी का जो इफेक्ट लोकसभा में था उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी मराठवाड़ा में कंप्लीटली वॉश आउट हो गई थी। जी जी। वो इफेक्ट आज भी ग्राउंड पे है, मराठा एजिटेशन का इंपैक्ट पूरे पहले पूरे महाराष्ट्र में दिखता था, लेकिन सुधीर जी 35% से ज्यादा मराठा हैं, 35-40% ओबीसी हैं, तो 15% मुसलमान भी हैं इस रीजन में, मुस्लिम भी हैं इस रीजन में, इसीलिए बड़ा दिलचस्प यहाँ का जातीय समीकरण या कॉम्बिनेशन हो जाता है जातियों का। आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ, पिछली बार 2019 में 61.44% वोटिंग हुई थी, और अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, देखिए फाइनल कंक्लूजन आना अभी बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, जिस हिसाब से आप कह सकते हैं भीड़ लगी हुई है मतदान केंद्रों पर, अब जैसे जैसे मतदान खत्म हो रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि पिछली बार से ज्यादा हो सकती है इस बार वोटिंग फीसद। अब इसको कैसे देखा जाएगा ये अब एक बड़ा सवाल है, किससे इसको फायदा होगा? अभिलाष जी, आप ही से सवाल है सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल थी ये बीजेपी के सामने कि वोटर ही नहीं निकला और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये किसके फेवर में जाएगा? देखो, इतने वर्षों से जो हम चुनाव का जो कवरेज करते आए हैं और उसमें देखा है हमने, जो मतदाताओं का जो प्रतिशत वोट करने का जो उत्साह जो ईवीएम के जरिए या पहले उसके जरिए दिखता था, तो उसमें ये पता लगता था कि बहुत ज्यादा प्रतिशत वोट यदि वोटर घर से निकलकर आए हैं तो दे वॉन्टेड चेंज, तो वोट फॉर चेंज के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घर पर बैठने के बजाय बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ, मतलब एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर यदि वहां आता है तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी, तो यदि 61% की बात अपने 2019 में की है, यदि इस बार 65% से ऊपर यदि वोट पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खलबली महाराष्ट्र में हो सकती है। जैसे अविनाश धर्माधिकारी जी कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका बीजेपी को पड़ा था उसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के समर्थक घर पर इसलिए बैठ गए थे क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया था कि अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ बिठा दिया गया था, मतलब दोनों डिप्टी सीएम बन गए थे, वही डिप्टी सीएम जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री और उसके बाद में भी कहा था कि चक्की पीसी पीसी पीसी,
तो लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर कार्यकर्ता था या वोटर था उसको बहुत दुख हुआ कि अजीत पवार को बीजेपी के फोल्ड में ले लिया गया, तो इसलिए लोकसभा चुनाव का वो एक बहुत बड़ा लेसन था। अब यदि बीजेपी और आरएसएस ने अपने वोटों को वोटर्स को या अपने कार्यकर्ताओं को पैसिफाई कर लिया है तो उसका चुनाव का ये इस बार दिखेगा कि अजित पवार के फैक्शन को कितना वोट मिलता है, उससे महायुति वापस सरकार में आ सकती है नहीं आ सकती। और मुझे लगता है कि यदि बड़ा वोट परसेंटेज आता है 65 के ऊपर जाता है तो देर इज वी आर ऑल इन फॉर ए सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज, अब वो सरप्राइज क्या होगा अविनाश जी, जो सरप्राइज की तरफ इशारा कर रहे हैं बिलास जी, वो सरप्राइज क्या हो सकता है? वो महायुति के लिए खुशखबरी होगा या महाविकास अघाड़ी के लिए? एक पहले तो मेरा ये आकलन है, मेरा ये परिस्थिति का रीडिंग है कि कोई एक स्वीपिंग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राज्य में नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भावना कि नहीं अभी इस सरकार में बदल करना है इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो पहली तो कि नो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। दूसरा, जो महाराष्ट्र का राजनीतिक चित्र बहुत ही बिखरा हुआ है इसलिए किसी तरह का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और एक बहुत बड़ा ढाढ़स रहेगा। अब उस बिखराव के बारे में अगर सोचा जाए तो सामने वास्तविकता ये उभर कर आती है कि इसमें जिसका कोर वोटर ज्यादा हावी रहेगा उसके हिस्से ज्यादा सीट आ जाएंगे, तो जिसको सफलता मिलेगी कि अपने कोर वोटर को बाहर निकालो। इसलिए मैं ये थियरी बता रहा हूं कि जहां एक तरफ आमतौर पर तो ये सच्चाई है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है पीपल वांट चेंज, उनको परिवर्तन, एंटी इनकम्बेंसी, पर इस बार उसका जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी तुलना लोकसभा से करना जरूरी है। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये आकलन है कि जो वोटर ज्यादा निकल के आ रहा है वो लोकसभा में जो नाराजगी के कारण घर में बैठा रहा, सच्चाई है कि जिस तरह से अजीत पवार के साथ में गठबंधन बना उस पर नाराजी थी, लेकिन वो दूर करते हुए अभी दिखाई दे रहा है कि वो वोटर निकल के बाहर आ रहे। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा जी, तो है छोटी छोटी जल्दी मैं कहूंगा। एक है कि जो चाहे युति हो या चाहे आघाड़ी हो, हा? अपना अपना वोट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। माने युति में जो घटक पक्ष पार्टीज हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके अपने वोट है, क्या वो शिफ्ट होंगे? तो मेरा जमीन पर आकलन है कि इस तरह का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका भी मतलब यही निकल के आता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंस में जिसका अपना स्थान सशक्त है वो जीतेगा। दूसरी बात, ब्रेक पर जाने से पहले हम थोड़ा मराठवाड़ा की चर्चा कर रहे थे, मुझे आधे मिनट में अनुमति दीजिए उस पर एक बात रखने की। जी जी सर, क्योंकि मराठवाड़ा के हालात बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है हालात, सामाजिक दृष्टि से दुखद है, उसका रूपांतरण राजनीतिक चित्रण में भी हो रहा है वो भी दुखद है। वहां पर विशेषकर मनोज जरांगे फैक्टर काम कर सकता था, मैं कह रहा हूं, लेकिन विधानसभा के लिए मनोज जरांगे ने अपनी जो भूमिका बताई किसी भी तरह की कोई राजनीतिक नहीं, किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, इसलिए जो कुल मिला के चित्र सामने आता है वो मुझे तो यही बताता है कि लोकसभा में युति का प्रदर्शन जितना खराब रहा उतना मराठवाड़ा में अब नहीं रहेगा, मराठवाड़ा में भी युति का प्रदर्शन सुधर जाएगा। ठीक है, कैसा ही रीजन मुंबई रीजन का भी आता है आरती जी। मुंबई में हमने देखा जब सीट बंटवारा होना था तो काफी सिर्फ टब्बल हुआ दोनों ही गठबंधनों में, खासकर महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में काफी सिर्फ टब्बल हुआ। लोकसभा चुनावों में एक सीट कांग्रेस ने जीती, 3 यूबीटी ने जीती, 1 बीजेपी ने और 1 शिंदे के खाते में गई। ये जो 36 सीटें हैं इस रीजन की किस बात पर निर्भर करेंगी? कुछ बदलेगा लोकसभा चुनाव से, कुछ फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान ही उठाना पड़ेगा? देखिए प्राची, ये मुझे लगता है पूरा डिस्कशन जो है हमारे सामने, जो चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए और जो परिणाम वहाँ से निकल के आए, तो हमारे लिए एक वो बेंचमार्क है कि उसको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या पिछले 6 महीने, पिछले 4 महीने में कोई चेंज आया है कि नहीं। लेकिन अगर आप ओवरऑल डेमोग्राफिक देखें मुंबई की, जब हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं, वोटर कौन है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस है, तो उसमें हम सबसे, मुझे लगता है, बड़ा तबका जो है मिडिल क्लास का तबका है,
उनकी एस्पिरेशंस 6 महीने में तो नहीं बदलेंगी, ऑब्वियसली जो वो पहले चाह रहे थे वो अभी भी वही है, जो उनके इश्यूज 6 महीने पहले थे वही इश्यूज अभी भी है, लेकिन यही एक वो क्लास है जिन्होंने मुंबई में जो भी डेवलपमेंट हुआ, और हम देख रहे हैं कि आप अगर सड़कें देखें, आप पुल देखें, जो बेनिफिट्स मिले हैं वो सबसे ज़्यादा इसी क्लास को मिले हैं। लेकिन अगर आप देखें कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, शिवसेना को तोड़ने वाले लोग भी जो है वो इसी एरिया से आते भी है और यहीं पे सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड भी है। मैं फिर नंबर्स की भाषा में आपसे बात कर लेती हूँ आरती जी, ये तो रहे समीकरणों की बात। आप मुझे नंबर्स में फंसा रही हैं प्राची जी। मैंने आपको नंबर इसलिए सुनाए थे ताकि आप एंटरटेन हो और लोग भी एंटरटेन हो, ऑडियंस भी। इसीलिए मुंबई रीजन में भी आपसे जानना चाह रही हूँ, 16 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनावों में जीती थी, 14 शिवसेना जब संयुक्त शिवसेना थी, अब ये टूट गई है और उसका असर हमें जरूर देखने को मिला, 4 सीटें कांग्रेस ने और 1 सीटें एनसीपी के खाते में गई थी। अब ये 16 बीजेपी बरकरार रख पाएगी, गेन कर पाएगी या लूज करेगी, या कांग्रेस 4 से थोड़ा आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इससे ज्यादा इस एरिया में, इस रीजन में इससे ज्यादा कर पाएगी। सवाल यह है कि वाकई इस इलेक्शन में अगर आप मूट पॉइंट अगर आप मुझे पूछे कि क्या है, तो वो ये है कि शिवसेना सबसे बड़ी एक लूजिंग फोर्स हमें दिखाई दे रही है क्योंकि बट गई। आज की डेट में राज ठाकरे भी इलेक्शन में है, उनका क्या कितना इम्पैक्ट होगा, कितना क्या फैक्टर काम करेगा, वो किस तरह करेगा, पर ओवरऑल अगर आप देखें इस सब में एक्चुअली बीजेपी बेनिफिशियरी है, बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। बात ही कर रहे थे आंकड़े की, एक आंकड़ा हमारे सामने आ भी चुका है, पिछली बार 2019 का आंकड़ा हमने आपको बताया था 61.44% रहा था वोटिंग का, अभी शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आया है और यह है 58.22%, यानी जो फाइनल आंकड़ा है वो 63 से 65% के बीच में रह सकता है, यानी कि पिछली बार से वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। तो सुनील जी, आपका आंकलन क्या कहेगा, अगर वोटर घर से बाहर निकल रहा है तो ये वोटर बीजेपी का, महायुति का या महाविकास अघाड़ी कांग्रेस का, उद्धव गुट का बाहर निकल रहा है? नहीं नहीं, एक अच्छा हो गया कि भाई पहले जो वोटर में एक आपत्ति दिखाई दी 2-3 बजे तक, वो कम हो गई, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब इसको फायदा ये मैं ये नहीं करता हूँ। लेकिन मुंबई के बारे में अभी कुछ बात हो रही थी, मुंबई के बारे में देखिए वहाँ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये सेंट्रल इशू हो गया और उसका इम्पैक्ट वहाँ के वो 36 सीट पे वो रहेगा, ये आप मान के चलिए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अपोजिशन ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से उसको सेंटर में लाया है, तो ये मुंबई में इसलिए चेंजेस होंगे, मुंबई कांट बी स्टैटिक, और ये चेंजेस कैसे होंगे वो तो हम देखेंगे। लेकिन धारावी के कितने सीट्स पे आप मानते हैं? नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, उस इशू का कितने इस पे इम्पैक्ट होगा? नहीं नहीं, एक मिनट, वहाँ ऐसा है कि भाई वहाँ महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात ऐसा एक सब टेक्स्ट आ गया, अच्छा बुरा है वो छोड़ दीजिए, तो वो तो पूरा ट्वीटेड सीट पे आता है। आरती जी जो कह रही हो बात सही है, मैं आई इफेक्ट इंटरव्यू, इट इज नॉट ओनली अबाउट धारावी, लेकिन धारावी के डेवलपर्स को जो बची हुई मुंबई में जो एफएआर वगैरह की जो फैसिलिटीज देने की गवर्नमेंट की जो बात चल रही है उसके कारण लोगों में काफी नाराजगी है, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो वहां के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतने सालों से हम देख रहे हैं वो स्लम्स में रह रहे हैं, वो स्लम्स भी काफी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन स्लम डेवलपमेंट के कारण यदि चर्चगेट में या आपको माहिम में या आपको पाली हिल्स पे यदि कोई एफएआर का फायदा यदि डेवलपर को मिल रहा है तो वो लोगों को बहुत नाराजगी का विषय हुआ है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो 36 सीट में वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा मेरा कहना, 36 सीट्स में रिफ्लेक्ट होगा। अब आगे पश्चिम महाराष्ट्र की एक बार बात कर लेते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र का छोटी सी छोटा सा जस्ट जी सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से, मेरे पास बाकी रीजन भी है, एक एक कमेंट आपका ले लूं ताकि मेरे दर्शकों को क्लियर हो जाए कि महाराष्ट्र कैसे वोट करेगा। जी जी बोलिए सर, बोलिए। मुंबई के 36 में से मेरे आकलन में 21 या 22 युति के पक्ष में जाएंगे, 21 या 22। हां, दूसरी बात, हम बार बार यहाँ पे 2019 के वोटिंग की चर्चा कर रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं
कि 2019 में बीजेपी और एक शिवसेना साथ में लड़े थे, एक मैनिफेस्टो पे लड़े थे। इसका मतलब है तब वोटर ने जो मतदान किया वो शिवसेना और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए किया था। इसलिए आज की तारीख में 2019 बेसिस मानना मुझे लगता है कि हमें दिशा नहीं दिखाएगा। सर 2024 को ही बेस मान लेते हैं, 2024 को ही बेस मान लेते हैं। जी जी सर, मैं 2024 को ही बेस मान रही हूँ, उसी के आधार पर आप लोगों से नंबर पूछने की कोशिश कर रही हूँ। सुनिए सुधीर जी, मैं पश्चिम महाराष्ट्र को अगर समझूं तो पश्चिम महाराष्ट्र में झटका लगा अजीत पवार को। अजीत पवार कितने कामगर हैं बीजेपी के लिए, कितने नहीं है, ये पश्चिम महाराष्ट्र में देखने को मिला, क्योंकि शून्य रहा लोकसभा चुनाव में उनका जो आंकड़ा था। कांग्रेस ने 2 हासिल की, शिवसेना उद्धव गुट के खाते में भी सीटें गईं, बीजेपी के खाते में भी सीटें गईं, लेकिन अजीत पवार कुछ कर नहीं पाए, जबकि यहाँ राजनीति पवार के इर्द गिर्द घूमती है। शरद पवार ने बता दिया कि वो कितने ताकतवर हैं, यही पैटर्न यहाँ भी दिखेगा हमें विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शरद पवार की जो पहले से कहते थे कि उनकी पकड़ पश्चिम महाराष्ट्र के ऊपर बहुत मजबूत है, वो पकड़ उनकी बिल्कुल मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार का सफाया हुआ था लोकसभा में, मुझे लगता है कि वैसे सफाया नहीं होगा। अजीत पवार की कुछ खासी सीटें पश्चिम महाराष्ट्र में आ सकती है, इतने बड़े पैमाने में अजीत पवार का सफाया होने वाला नहीं, क्योंकि उसको रीजन ऐसे उनके जो कुछ कैंडिडेट्स है वो काफी स्ट्रांग है ग्राउंड पे, या वो बीजेपी के साथ इसलिए नहीं, उनकी खुद एक पॉपुलैरिटी है वो उस रीजन में, उनका काम है, उनका एक पर्सनैलिटी है, उसके वजह से वो लोग चुन के आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि शरद पवार की भी सीटें वहां पे ठीक ठाक आएगी। और अहम बात ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, इस जगह पे भी कांग्रेस की सीटें काफी आ सकती है। और बारामती का जिक्र हम पश्चिम महाराष्ट्र करते, बारामती का जिक्र भी करना चाहिए, नहीं तो मेरे लगता है कि विश्लेषण वो अधूरा रह जाएगा बारामती से सिवा। बारामती में 2 दिन घुमा था, वहां पे भी जब गया तो लोगों का यही कहना कि शरद पवार की जो आखिरी सभा होती है, जो ट्रेडिशनल उनकी आखिरी सभा, वो सभा में क्या मैसेज देते हैं उसके ऊपर हम काफी चीजें यहाँ पे निर्भर रहती है। पूरे फैमिली वहां पे 2 हिस्से में बटी है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि एनसीपी की इतनी चर्चा हो गई और बारामती की इतनी चर्चा हो गई, 25 सीटें थी तब संयुक्त एनसीपी की 2019 में, कितनी कितनी में बांट सकते हैं, 25 कितना जा सकता है शरद पवार और अजीत पवार की तरफ, कुछ बता सकते हैं फाइनल एक बार लास्ट में? नहीं, मुझे मैं आंकड़े में फिर वापस कहता, मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र इन टोटलिटी मैं कह सकता हूँ कि वहां पे 50-50 होने के चांसेस है। चलिए ठीक है सर, समय नहीं था मेरे पास, समय नहीं था सर मेरे पास, लेकिन 2 आंकड़े मेरे पास आ गए। एक तो आरती टिक्कू जी ने दिया कि 166 महायुति को मिल सकते हैं, और एक आंकड़ा धर्माधिकारी की तरफ से मेरे पास आया कि 155 जो है वो मिल सकती है महायुति को, यानी एज महायुति को मिल सकती है इन चुनावों में।